कुकविथ सुनीता यादव में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तरह के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। आइए हम पकोड़ों को बनाते हैं। आलू को हम इस कद्दूकस से कस लेंगे अच्छे से। देखिए आलू को हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको दूसरे एक साफ पानी में निकाल लेंगे ताकि इसका स्टार्च है वो निकल जाए। आलू को इस तरह से हमने अच्छे से पानी से निकाल लिया है और इसका सारा स्टार्च निकल चुका है। और ये प्याज को भी हमने इस तरह से दोनों को पतला पतला काट लिया। इन प्याजों को भी हम इसी में डाल देंगे। पतला पतला काटना है हमको। आइए हम सारे मसालों को इसमें डालते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, ये मैंने चिली फ्लेक्स को डाला इसमें। स्वादानुसार हम नमक डालेंगे इसमें, आपको जितना डालना उस तरह से आप इसमें डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच ग्रेट करके मैंने अदरक को डाला है, एक मैंने हरी मिर्च को डाला है इस तरह से। और हम इसमें बाइंडिंग के लिए हमें मैंने चार चम्मच बेसन लिया है। दो चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, इससे हमारी जो पकौड़ी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लिया है। इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। इसको पानी डाल करके बाद में इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे फूलने के लिए, ताकि हमारा जो ब्रेड जो हम पकौड़ी बनाएंगे बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी और सॉफ्ट रहेगी। और इस तरह से हम अपनी जो ब्रेड है उनको भी इस तरह से एक ब्रेड के चार पीस कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी चार ब्रेड ली थी उनको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। आइए हम पकौड़ों को तल कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से बैटर तैयार है। इसमें जो हमने ब्रेड को इस तरह से चार भागों में काट दिया था, आइए इसको हम पकौड़ी बनाते हैं इसकी। इस तरह से हमको ब्रेड रखेंगे, इसका एक ब्रेड का एक पीस, और चारों तरफ से इसको अच्छे से इसमें कोटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक पकौड़ा तैयार हो चुका है। कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म करके रखा था। देखिए इस तरह से उलट पलट करके हमने दोनों तरह से अच्छे से सेक लिया है। इसके लिए जो ऑयल होगा वो गर्म ही होना चाहिए, अगर धीरे में करेंगे तो इसमें ऑयल भर जाएगा। देखिए इस तरह से हमने अपने पकौड़ों को तल लिया है, अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं ये। एकदम कुरकुरे पकोड़े बनकर के तैयार हुए हैं। लीजिए आपके गर्मा गर्म पकौड़े बनकर के तैयार हैं। ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनकर के तैयार हैं, एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े बनकर के तैयार हैं। एक ही पकौड़े में आप तीन तरह का स्वाद लीजिए, खाइए और बताइए आपको ये कैसे लगे। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।